हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी हम हैं रोमा टर्मिनी स्टेशन पर, सेंट्रल ऑफ रोम। और कल रात को ही मैं जो है रोम आया हुआ हूँ और लक्ष्मण भाई के यहाँ पर रुका हूँ, लेकिन अब मैं दूसरे घर जाऊँगा आज कल में। तो यस, ये है अभी तक का सीन। और अभी मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे भी नहीं, मतलब हम जा रहे हैं कैसीनो, ये भी डिसाइड करके बताएंगे, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद ट्रेन है। तो अभी डिसाइड करेंगे कि साथ में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उसका ही मेरे को इनको टाइम दिया हुआ है अभी सोचने का। और अभी हम जो है ना दोस्तों जा रहे हैं एक कैफ़े में, जहाँ पर सबसे बेस्ट कॉर्ने तो मिलता है अराउंड रोमा टर्मिनी। पिछली बार आए थे तो बंद था, इस बार देखते हैं ओपन है या नहीं। यहीं पर है, आगे वाला है, इसी तरफ है, इसी रोड पर है। क्या बात है, बस नज़दीक। और सबसे खुशी की बात यह है कि लक्ष्मण का ग्रेजुएशन हो गया है सेपेंजा यूनिवर्सिटी से, तो कंग्रेचुलेशन बड़ी। थैंक्स। क्या बात है। तो अभी एक कपड़े का मार्केट भी लगा हुआ है, जो कि मुझे वेनिस से ख़रीदने थे, लेकिन देखेंगे यहाँ से तो अभी नहीं खरीद पाऊँगा, क्योंकि टाइम नहीं ज़्यादा अपने पास में, कॉर्नर दिखा के डायरेक्ट ट्रेन पकड़ने के लिए निकलना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर से कैसीनो दिखाएंगे आपको, जहाँ से शुरुआत हुई है ज़िंदगी की फिर से। वन सेकेंड, ये देखो कपड़े कितने कितने के मिल रहे हैं, 5-6 यूरो, 1 यूरो। हाँ, मतलब गर्ल्स का है। KFC से शॉप आ चुका है बाहर, कापरी, पिछली बार भी आए थे हम। देखो ब्रो, आज अपने पास एक ही नहीं है, पूछो एक बार लक्ष्मण ब्रो, अपने पास एक ही नहीं। स्वीट डिशेस तो है इनके पास, आज भी शायद हम लोग लेट हो गए हैं। हमारी किस्मत खराब है क्या है, ये दूसरी बार ऐसा हुआ कि दूसरी बार भी फिनिश हो गई। 12 भी नहीं बजे अभी तो यार, लंच टाइम चालू होने वाला है, जल्दी जल्दी सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो कैसे यार दुकानें चलेगी यार इनकी। एनीवे, अब चलना पड़ेगा वापस या किसी और जगह, तो मतलब नहीं है खाने से, कोई नहीं। वैसे हमने अपना ब्रेकफास्ट किया था आज। हाँ, ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। और यार क्या बात है, आज ब्रेकफास्ट में जो लक्ष्मण भाई ने जो पराठे बनाए थे ना, मज़ा आ गया यार। बहुत दिनों बाद आज उन्होंने शानदार पराठे बनाए, बता, स्पाइसी वाला सॉस, मिर्ची वाली चटनी, बेसन की चाय भी। चाय मैंने पहली बार पी आज, बाय द वे इटली आने के बाद पहली बार पी आज चाय। तो हमेशा मैं पीता हूँ, बनाता हूँ, लेकिन अभी क्या भटक रहा हूँ इधर उधर, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ पर कैसी चीज़ें हो रही है। तो आज चाय बना के पिलाई, दिल स्टार्ट तो अच्छा हुआ। अब हम जो है टिकट परचेस करने वाले हैं, यहाँ से नहीं मिलेगी, इटालियो तो फास्ट ट्रेन है, बुकिंग ट्रेन इटालिया से परचेस करनी पड़ेगी। तो ट्रेन इटालिया का शायद दूसरी तरफ भी होगा, दूसरी वाला भी होगा। तो रोम से कैसीनो की जो ट्रेन है वो पड़ने वाली है मैं करीबन 8-8.5 यूरो की, फास्ट ट्रेन है। और ये सबसे फास्ट ट्रेन है, मतलब सबसे तो नहीं पर 1.5 आवर्स में पहुँचा देगी हमें बहुत जल्दी। ऐसा हम टिकट परचेस करने वाले इसी वाले से करते हैं। यस, सो टिकट आ गई, एक बार दिखा दो कैसी दिखती है यहाँ पर, ये ऐसी टिकट्स मिलती है। यस, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो बट वैसे भी चलती है। तो अभी हमारी जो ट्रेन है कैसीनो के लिए 12:35 की है, तो दिख नहीं रहा अभी, तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर पता चलेगा धीरे से कि क्या लेना। तो यहाँ पे जब टर्मिनल आओगे तो सिम में यहाँ से परचेज कर सकते हो, और यहाँ पर सिम की पंच करना ना भूलें, उसको पंच भी करना, चलो पंच करना भी दिखा देते कैसे पंच होती है। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यार आज, आज इतना क्राउड क्यों यार ब्रो? अच्छा है, लोग अब हाँ। प्लान कर रहे हैं अपना वैकेशन। यस, तो यहाँ से स्टैम करना रहता है, इसको करके दिखाएंगे लक्ष्मण भाई आपको अपने हाथों से। ये मशीन बंद है, यस मशीन बंद है, ये वाली देख लो, आई थिंक ये भी क्लोज है यार। सो गाइस, ये वाली ट्रेन हमारी जाने वाली, जनरली कैसीनो के लिए जाओगे ना तो या तो प्लेटफॉर्म 20 पे या 21 पर ही आपको मिलेगी, तो 12:35 की ट्रेन है। तो गाइस फाइनली हमको जो है सीट मिल गई है, यस, पर हम ट्रेन निकल जाएगी थोड़े टाइम बाद। यस, यहाँ पर तो ऐसा कोई विंडो सीट का लफड़ा नहीं रहता जैसा फ्लाइट्स में रहता है। लक्ष्मण भाई को एक लड़की के पास बैठना था, मैंने बोला कि अपन दोनों बैठे। नहीं, मैंने वो बॉलीवुड मूवीज ज्यादा देखी है, तो मैं सोच रहा था उसमें होता क्या है। उसमें होता है कि लड़की उतर जाती है, फिर लड़का उसको ड्रॉप करने जाता है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है। फाइनली
स्टेशन का नाम अभी दिख नहीं रहा होगा, दिस इज कैसीनो स्टेशन, जहाँ पर पहली दफ़ा आया था मैं। यादें ताज़ा हो जाती है जब जब आओ। और ये सिटी है, अभी प्रशांत आ रहा है तो प्रशांत का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे वो रेसिडेंस परमिट की बात करने के लिए। और लक्ष्मण का भी फर्स्ट टूर होने वाला है कैसीनो का, तो उसको दिखाएंगे ये पहाड़ों के वादियों के बीच में जो ये सिटी बसी हुई। देखो सामने भी बैक साइड पर पहाड़ दिख रहा है, इधर भी पहाड़, मतलब चारों तरफ। इधर से भी अगर देख पा रहे होंगे तो पहाड़, तो सब तरफ से पहाड़ पहाड़ यहाँ पर। और रिनोवेशन चल रहा है यार स्टेशन का, अच्छा खासा बना रहे लगता है। चलो थोड़ा सा आगे चलते सीधे। ये हमारे भाई प्रशांत ब्रो, ये वेलकम वेलकम प्रशांत ब्रो। तो प्रशांत, मैं और लक्ष्मण भाई जा रहे हैं पुलिस स्टेशन मेरा कार्ड देखने के लिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है रेडी। फिर भाई कैसे हो प्रशांत भाई? भाई क्या बात है बाबा, तगड़े हो गए यार, हेल्थ हेल्थ इसकी टाइम। अच्छा आपको जानता हूँ यार मैं। हाँ रियली सैड नाउ बिकॉज जनवरी में मैंने फिंगरप्रिंट दे दी थी और अभी तक ये पुलिस स्टेशन ही बैक साइड पे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ यार। ये और अभी भी बोल रहे कि टाइम लगेगा और 3-4 महीने और, अभी सितंबर वालों का चालू है पिछले साल के। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या कर क्या रहे यार यहाँ पे। एक तो पहले अपॉइंटमेंट 1 साल बाद की मिलती है, फिर उसके बाद फिंगरप्रिंट, तो उसके बाद 1 साल बाद कार्ड मिलेगा क्या? अब 2 साल ही लग जाएंगे मेरे को लग रहा है। 2 साल ही मान लो मोटा मोटी। अरे यार पूरा आज मेरा वो खराब हो गया मूड सही में। और वो ये भी बता रही थी कि इसके ऊपर ना तुम इंडिया से यहाँ आ जाओ, यहाँ से इंडिया चले जाओ। हाँ। ये भी बोल रही थी। मैं तो भगवान का नाम लेके गया था यार, फिर भी नहीं हुआ मेरे को तो, ये लग रहा है अब तो। यार कार्ड मिल जाता तो अच्छा लगता है यार, फिर तो मेरे को और आगे की प्रोसेस करनी थी। और बोलते किसी को मेल मत करना यहाँ पे, कोई मेल नहीं चलता यहाँ पे। हेलो, अब एक फ्रेंड का एनरोलमेंट का काम है तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो जा रहा हूँ, वहीं पे वहीं से समझते आगे की क्या जर्नी है। गाइस हमारी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक खुफिया रास्ता है जो हर किसी को नहीं पता है कि यहाँ से जाना पड़ता है। रात में तो डर लगता है, डर तो नहीं लग रहा तुम्हें लक्ष्मण ब्रो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस यही है थोड़ा जंगल है, वीरान इलाका। वीरान इलाका है। रात में यहाँ से हम रात में जाया करते थे पहले, अब डर लगता था। लकीली इटली में डाकू नहीं है नहीं डर पता है वो एनिमल्स का लगता है क्योंकि आवाज़ आती रहती है रात में इधर उधर से। सही है गाइस, हमारी सामने यूनिवर्सिटी, प्यारा सा विला यूनिवर्सिटी। मैंने 4 साल गुजारे हैं पर, 4 साल अच्छा लॉन्ग टाइम। एयर बहुत फ्रेश है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा है यार कैसीनो का। आई लव एवरीथिंग अबाउट कैसीनो। एंड ये जो सामने आपको दिख रहा है गाइस, ये हमारी यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस है, तो जब आप पहली दफ़ा आओगे यहाँ पर तो आपको एनरोलमेंट यहीं पर करवाना पड़ेगा। अभी एक फ्रेंड का कुछ काम है तो इसलिए जा रहा हूँ मैं। मेरे को तो समझ ही नहीं आता इंटरनेशनल ऑफिस किस चीज़ के लिए यहाँ पर, कोई काम ही नहीं रिजॉल्व होता, जब जब आया तब तब पेंडिंग ही रहा हुआ, वो काम मिलते ही नहीं, लोग होते ही नहीं, और जबकि टाइम था हम तो क्या सिस्टम है यार, समझ नहीं आता इटली का कभी कभी तो। यार आज इतना सुकून मिल रहा है इस यूनिवर्सिटी को देख के इतने टाइम के बाद में कि बस निकी। खैर अंदर नहीं जाने वाले, यहाँ से बाहर ही जाएंगे, बट अच्छा लगा इतने टाइम बाद देख के। ग्रेजुएशन ही फ़ोटो खिंचाई थी ग्रेजुएशन के टाइम पर, अभी भी याद है मुझे चीज़ें। तो गाइस बहुत भूख लग रही थी तो अभी हमने पिज्ज़ा ले लिया है। लो ब्रो तुम्हारा ले लो फटाक से, चलो टिकट लेनी है अपने को जल्दी जल्दी। टिकट लेके अब यहाँ से हम निकल रहे हैं क्योंकि काम हुआ नहीं है, मेरा दिमाग ऑलरेडी ख़राब हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।